जब सोसाइटी की बात करते हैं हम सर, तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, सबके वेवलेंथ मैच नहीं करते. तो जब हम रीडेवलपमेंट में जाने की बात करते हैं तो मेड भी, सेल्फ रीडेवलपमेंट, बेड भी और बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट, हर एक मेंबर का कंसेंट तो जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली सबको एंड में घर वेकेट करके निकलना है बाहर. नाउ इन सच अ केस जहाँ पे मेजोरिटी मेंबर्स आर रेडी कि उनको करना है, बट फिर भी एंड में ऐसे एक दो प्रोजेक्ट, एक दो मेंबर्स है जो लोग अड़के बैठे कि नहीं हम लोग को करना ही नहीं है, हम लोग हिलेंगे नहीं, हम लोग कंसेंट देंगे नहीं, तो ऐसे प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है. और हर एक सोसाइटी के अंदर एक दो डायमंड्स रहते हैं, अब समझ रहे हो ना मैं क्या? यस यस. कुछ डायमंड्स रहते हैं, तो वो डायमंड्स शाइन आउट होते हैं, तो उसकी शाइनिंग जब बढ़ जाती है तो वो शाइनिंग को शांत करने के लिए लिटिगेशन में जाना होता है. मैं पहले से अभी लिटिगेशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के सीरीज ऑफ जजमेंट आए हैं कि डिसेंटिंग मेंबर्स, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे सब जो वक्ता है सुनने वाले ध्यान से सुनना, कि जनरल बॉडी इज अ सुप्रीम अथॉरिटी. जनरल बॉडी को मैक्सिमम पावर है. मैक्सिमम मेंबर्स आपकी मेजोरिटी है, अभी तो 51% के ऊपर जो भी मेंबर आ गए आपने, एक बार डिसीजन ले लिया, और डिसीजन सोसाइटी के हित में होना चाहिए. आपने अपने सोसाइटी के हित में डिसीजन ले लिया, एक अच्छा डिसीजन लिया, डेवलपर अपॉइंट किया, प्रोसेस स्टार्ट किया. यदि दो चार मेंबर जगह खाली नहीं कर रहे हैं या आप में बाधा डाल रहे हैं, तो आप उसको लीगल प्रोसेस में फॉलो कर सकते हो. लीगल नोटिस देना है, रिप्लाई, रिजाइंडर, फिर हाईकोर्ट के अंदर आप डिसेंडिंग मेंबर के सामने सूट फाइल करके कोर्ट रिसीवर के द्वारा, कोर्ट रिसीवर अपॉइंट होगी और रिसीवर उसको उसका कॉलर पकड़ के ऑफिशियली बाकायदा फ्लैट खाली करवाएगा. कोर्ट रिसीवर उनसे एग्रीमेंट भी करेगा, कोर्ट रिसीवर उनको कॉर्पस भी देगा, लेकिन जो भी कार्यवाही होगी डिसेंडिंग मेंबर की थ्रू हाईकोर्ट या थ्रू कोर्ट होगी, सिमिलरली और थ्रू आर्बिट्रेशन. तो ऐसा नहीं है डिसेंडिंग मेंबर, लेकिन डिसेंटिंग मेंबर की बात में कुछ यदि वजूद है, हमारा एक जजमेंट, दो तीन जजमेंट बॉम्बे हाईकोर्ट के हमारे रिपीट हुए, वेयर माइसेल्फ हैव अपीयर्ड एंड आर्ग्यूड बिफोर जस्टिस काथावाला एज वेल एज बिफोर जस्टिस श्रीराम. जस्टिस श्रीराम के साहब का जजमेंट तो बहुत फैंटास्टिक है डिसेंटिंग मेंबर के लिए, मैं आपको शेयर करूंगा फिर उसकी डिटेल. श्योर सर, यस प्लीज. दो मेंबर ने इतना डिले किया था प्रोजेक्ट, तो कोर्ट हैज अपॉइंटेड द कोर्ट रिसीवर और उनको बोला आपकी तकलीफ क्या है. कोर्ट हैज आस्क्ड स्पेसिफिकली आपकी क्या तकलीफ है, मैं बताइए. आपको कॉर्पस में तकलीफ है, आपको स्क्वायर फुट में तकलीफ है, आपको टेम्पररी अकोमोडेशन चार्जेस में तकलीफ है, आपको टाइम लिमिट में तकलीफ है, आपकी क्या तकलीफ है हमें बताइए. हर एक तकलीफ का, डिफिकल्टीज का ऑर्डर में विवरण किया गया, हर एक पे बिल्डर का अंडरटेकिंग लिया गया, कोर्ट रिसीवर को बताया आप 15 दिन के अंदर उनके साथ एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट में हर एक मुद्दा लिखा गया, रेंट डिफॉल्ट नहीं करेगा उसका अंडरटेकिंग लिया गया, फिर वेकेट करने की तारीख भी लिख गई ऑर्डर के अंदर कि बाय विद इन 30 डेज डिसेंडिंग मेंबर वेकेट करेगा, उसको मूवर्स एंड पैकर्स के चार्जेस दिए जाएंगे, आपको चेक्स दिए जाएंगे फ्यूचर के. तो हर एक चीज का कोर्ट डिसेंटिंग मेंबर को भी पूरा प्रोटेक्शन देकर ही उसे बाहर निकालती है. तो कोर्ट इज वेरी कॉशियस, बैलेंस करती है, और डिसेंटिंग मेंबर प्रोजेक्ट को लंबा सकता है. एक बात ध्यान से सुन लीजिए, he can delay the project but he can't prevent the project. okay, वो रुका नहीं सकता है, बिल्डर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट ही कैन डिले द प्रोजेक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसेंटिंग मेंबर में कुछ ज्यादा गर्मी है तो फिर हाईकोर्ट वो गर्मी दूर कर सकता है. ओके सर, तो ये जो पूरा आप बोल रहे गर्मी दूर करने का प्रोसेस है, इसे कितना टाइम लगेगा? बिकॉज़ मेंबर्स को क्या लगता है, अच्छा मेरे ख्याल से 3 to 6 months, 3 to 6 months में अच्छा आप सिस्टमेटिक जाओगे तो 3 महीने भी. हम लोग ने ऑर्डर लाए हैं विद इन 3 months, कोर्ट हैज पास द ऑर्डर फॉर इवेक्शन ऑफ द डिसेंटिंग मेंबर. खाली करने का 3 to 6 महीने में ऑर्डर पास हो चुका है. ऐसा नहीं है कि दो पांच साल तक मैटर चलेगी, ऐसा नहीं है. वही मेंबर्स को यही कंसर्न रहता है कि इफ यू अप्रोच द कोर्ट तो फिर अभी कितने साल लगेंगे, आप बोल नहीं सकते, बट अर्जेंसी बता के आप डेफिनेटली मैटर को बोर्ड पे ला सकते हो, और अर्जेंसी में डेफिनेटली कोर्ट ऑर्डर भी पास करेगा.